क्या हुआ? कह रहे हैं दोस्तों, अब से कोई भी हमारी काबिलियत पर कभी शक नहीं करेगा। हमने इतनी बड़ी सेना बनाई और हम सबने मिलकर एक नहीं दो अंग्रेजी राज्यों को हराया। हमारे लिए, रागनर के बेटों के लिए सबसे जरूरी काम जो करना था वो था पिताजी की मौत का बदला लेना, और वो हमने ले भी लिया है। और साथ ही हमने पिताजी का सपना भी पूरा किया है, और अब हमारे पास कानूनी हक है यहाँ रहने का और खेती करने का। तो मैं कहता हूँ कि इस मौके का पूरा फायदा उठाओ और अपने परिवार के साथ आकर अपनी बस्ती बसाओ। अफसोस कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा इस नई बस्ती को फलता फूलता देखने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। दोस्तों, मुझे दोबारा भूमध्य सागर को और करीब से समझने जाना है। अपना फर्ज निभाने के बाद मैं अपने सफर पर जाने के लिए आजाद हूं, लेकिन मेरे भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे। पियो। मैं यहीं पर रहूंगा, पर यहां बस कर खेती करने के लिए नहीं। अब किसान बनने में किसे दिलचस्पी है? हमारे पास जबरदस्त सेना है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी और कई जगह है जहां मैं हमला करना चाहता हूं, लूटना चाहता हूं। आप में से जो मेरी तरह सोचता है उसे मेरे साथ चलना चाहिए, और जो ऐसा नहीं सोचते हैं वो अपने आप से पूछिए, अब हमें कौन हरा सकता है? तुम सेना के सरदार नहीं बन सकते। मुझे बनना भी नहीं है उबा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनमें अब भी दम है नई नई जगहों पर हमला करने का, मैं उन्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम यहाँ पर हाथ में फावड़ा लेकर जमीन खोद सकते हो। यहाँ खेती बाड़ी को कामयाब करने वाला कम महान नहीं होगा। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम बोल रहे हो। जिस वेत्सा को मैं जानता हूँ उसे लूटमार पसंद है, वो एक असली मर्द है। शिकार करने वाले शेर खेती नहीं करते। तो तुम में से कौन मेरा साथ देगा? कौन मेरे साथ जंग के मैदान जाएगा मशहूर होने के लिए और ओडिन को खुश करने के लिए जो हम सबके पिता है? ऐसा मत करो आइवर, हम सब रैग्नर के बेटे हैं, हमें साथ में रहना चाहिए। माफ करना सिगर्ड, मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ढेर सारी मिर्ची खिला दूं और पानी की एक बूंद तक ना दूं। हाँ, लेकिन वैसे भी मुझे पानी देने के लिए तुम्हें रिंग कराना होगा, क्योंकि तुम अपाहिज हो ना। तो यहाँ रहकर खेती कौन करना चाहेगा? मैं रहना तो चाहता हूँ, पर फिलहाल जाना जरूरी है। पियो। और मैं तो मैं बियॉन के साथ जाना चाहता हूं, मुझे भूमध्य सागर को देखना है। तो इसका मतलब है कि रागनर के बेटों का साथ सिर्फ यहीं तक था अपने पिताजी की मौत का बदला लेने तक। ये झूठ है बियॉन, वो तुम हो जो हम सबको साथ नहीं रखना चाहते। तुम अपनी ख्वाहिशों की उड़ान भरने के लिए कहीं और जाना चाहते हो। आप सबके साथ मैं खड़ा रहूंगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना आइवा, तुम सरफिरे हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है, और तुम सिर्फ अपना बाजा बजाते रहते हो। सिगार्ड, मैं भी तुम्हारी तरह रैग्नर का बेटा हूँ। मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मुझे याद है पिताजी बाजा नहीं बजाते थे, और वो तुम्हारी तरह दुश्मनों को देखकर तुम दबाकर भागते नहीं थे। मुझे तुम्हें देखकर हंसी आती है, खासकर कि जब तुम कीड़े की तरह रेंगते हो। अपना मुंह बंद करो, शांत हो जाओ, तुम हमारे बीच में मत आओ। क्यों, क्या हो गया? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही? आइवर,
इसकी बात मत सुनना। अब तुम्हारी माँ नहीं रही, इस बात का बुरा लग रहा है ना? सिर्फ एक वही थी जो तुम्हें प्यार करती थी। आई बाप, आई बाप, क्या किया?